अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम पीआईए प्लेनेटेरियम में मौजूद हैं। ये चौबुर्जी के मुकाम पर वाक़ है और ये देखें, इसके राइट साइड पे देखें आप, ये ओरिजिनल ट्रेन है और ये पीछे पीआईए का जहाज़ है। ये तफरी मकाम है, बच्चे यहाँ पर आके तफरी करते हैं। पीआईए का ये जहाज़ है, यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और यहाँ की देखें कि इसकी उन्होंने ओरिजिनल लाइन की वजह से इसकी जगह चेंज हो गई। जगह चेंज होने की वजह से इसको जगह कम मिली है। अब देखें, ये थोड़ी सी जगह पे मौजूद है और यहाँ पर तफरी करने वाले लोगों की तादाद भी कम हो गई इसी वजह से। ये और एक तो ओरिजिनल लाइन ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरा ये कि एलडी वालों ने इसकी जगह पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है। और देखें कि थोड़ी सी जगह इनके लिए मिली है और देखें, ये हमारा तारीखी मकाम है, यह बहुत सालों पहले शुरू हुआ था और ये अदम तवज्जा का शिकार हो गया है। इसके तरफ से गवर्नमेंट की तवज्जा बिल्कुल हट गई है और इसी तरह के तफरी मकाम को पता है कि तफरी मकाम पे लोग आते हैं, फॉरनर्स भी आते हैं, मुल्क में से भी लोग आते हैं, दूसरे सिटी से भी आते हैं। और लाहौर जो है ये आपको पता है कि तारीखी शहर है और इस तरह की जगह पर तवज्जो ना देने की वजह से ये जगह आवाम की तवज्जा आवाम यहाँ पर का रुख नहीं करती, वो किसी और जगह पे भी जाते हैं। यहाँ पे पार्क्स बड़े अच्छे बने हुए हैं, बड़ा चैरिटोरियम है, इसका भी उन्होंने इसके भी कलर वगैरह उतरे हुए हैं, पेंट उतरा हुआ है और ऊपर से भी पेंट ख़त्म है इनका। और सारी तवज्जो इधर ऑरेंज लाइन पर दी हुई है, मगर ऑरेंज लाइन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी। और सभी इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जो पुराने प्रोजेक्ट्स को ख़राब कर रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट जो चल रहे थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। पीआईए के जहाज़ जो देखें, इस पर पेंट भी नहीं है और जगह जगह से वो ख़राब हो चुका है, पेंट भी ख़त्म हो गया, उसका पेंट भी नहीं करवाया। और मुझे तो लग रहा है कि अन करीब इसके तो पहिए भी लोग उतार के ले जाएंगे और इसके चीज़ें उतार के ले जाएंगे, जिस तरह की तवज्जो इस पर नहीं हो रही। और इस पर गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये, इनका ख्याल रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरनर्स और मुल्क से जो सयाह आते हैं वो इनकी इनका रुख करें, इन्हें देखें और हमारे ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा इस तरह से और लोगों को तफरी भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आप यहाँ पर किस पोस्ट में हैं? मैं एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन हूँ, जहाज़ के मेंटेनेंस का काम करता हूँ। अच्छा सर, ये हमें बता सकते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में? इसकी हिस्ट्री ये जनरल ज़िया साहब ने ये प्लानिटेरियम 84 में जर्मनी से लिए थे, तो एक कराची में लगाना था, तो एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक पेशावर में, एक कोयटे में लगे, तीन हैं। तो ये बहुत अच्छी सैर व तफरी की जगह, बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ट्रेन की वजह से हमारे यहाँ इन लोगों ने किया है, वासा का मसला है, वासा वालों ने बना कर देना था, ये उसी तरह खुदाई करके छोड़ कर चले गए, तो कोई कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, नवासा एलडीए दोनों इसी चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अगर वो काम करके दें, बराबर करके देते हैं, जगह हमारी 3-9-10 कनाल इन लोगों ने ले ली है, तो वो जगह बहुत तक कम पड़ रही है। तो ये देखें ना, सामने जहाज़ के नीचे जितना प्रोग्राम है, जगह उन लोगों ने घेर लिए, जहाज़ उनके साथ लग गया, कुछ जगह घूमने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं रही। तो इन लोगों का यहाँ कि ये उस साइड पे बनाना चाहिए था, उन लोगों ने जान के यहाँ पे बना दिए, ये गलत किया है, जहाज़ के नीचे बिल्कुल ही करके उन लोगों ने बना दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि ये इसका अजाला किया जाए, ये जगह हमें बनवा कर दें। कोई प्रोग्राम यहाँ पर खड्डा पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं, देखें प्रोग्राम सही नहीं है। हमें रिपब्लिक आएगी तो कहाँ जाएगी, इतनी पब्लिक आके, सीज़न शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे। प्रोग्राम ये बंद है, प्लानिटेरियम अच्छा प्रोग्राम है, 3 साल से बंद है। आप देखें कि ऑरेंज लाइन ने भी ख़राब कर दिया है कुछ कुछ का, ये सारा 8-9 कनाल ऑरेंज ट्रेन ने ली हुई है, तो 2-3 कनाल इन लोगों ने ले लिए, तो फिर पीछे रह की गया, ये देखे ना। तो ऑरेंज लाइन भी अभी स्टार्ट नहीं हुई, देखें ऑरेंज ट्रेन भी स्टार्ट नहीं हुई, कुछ भी नहीं है। हमारा भी प्रोग्राम इन लोगों ने, हालांकि ये उस वक्त कह रहे थे ये आपको बना कर देंगे, अभी तक कुछ भी नहीं किया, ना बना कर दिया कुछ भी, उसी तरह खड्डे पड़े हुए हैं, मिट्टी पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए हैं, वो बना कर दें ना। अच्छा, गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के ये वादे धरे के धरे रह गए कि ये सब बना के देंगे, हम इनको ठीक सब करवाएंगे, इनको ज़्यादा जगह देंगे, मगर इन्होंने वही इनको एक कुजे में बंद कर दिया है और ये साइड पे दीवारें भी टूटी हुई हैं और कुछ एलडी वालों ने कब्ज़ा कर लिया है, कुछ ऑरेंज ट्रेन ने कब्ज़ा कर लिया है और इनके पास थोड़ी सी जगह बाकी है। और देख लीजिए, इतना बड़ा जहाज़ है, इसके साइडों पे जगह भी नहीं है और बच्चे कहाँ खेले हैं, बच्चों के जो विज़िट करने आते हैं वो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। देखें नाजरीन, ये पीआईए प्लेनेटेरियम के पास जो है साइड पे जो ऑरेंज लाइन के साथ दीवार है, ये ऑरेंज लाइन वालों ने वैसे ही छोड़ दी थी,
और यहाँ पर नशेइनों डेरे डाले हुए थे, अब ये अपनी मदद आपके तहत ये चादरें लगा के ये लगा रहे हैं। गवर्नमेंट की तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है इस पर। देखें, हमारा सकाफती विरसा जो है, हमारा एक तफरी बड़ा प्यारा तफरी मकाम है कि जहाज़ के विज़िट होता है बच्चों का, और स्पेस सेंटर है अंदर, स्पेस के बारे में बताते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं अंदर, मगर इस जगह की तवज्जो बिल्कुल हट गई है गवर्नमेंट की, और पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट्स पे चले गए हैं वो, और इन पे जो प्रोजेक्ट्स पे तवज्जो ख़त्म कर दी है। और साथ ओरिज लाइन ट्रेन थे वो तो वैसे ही रुक गया हुआ काम, जिसकी वजह से इनका ये काम ख़राब हुआ है। और मेरी गुजारिश है कि ये इसकी दीवार जो है पक्की करवाई जाए, दीवार बड़ी करवाई जाए, ताकि ये इधर से कवर हो जाए कम अज़ कम, और बाकी ये ताकि ये तफरीम काम इधर से कवर हो जाए, ताकि यहाँ अंदर नशेई आकर डेरे ना डालें, नशेई आकर अंदर नशा ना करें, और इस तरह के लोग अंदर ना आ सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। तो ये आप क्या करें, ये अपनी मदद आपके तहत करी जा रही है? ये सर 3-4 साल हो गए ने ऑरेंज लाइन वालों ने और ये जो वासा वाले ने, ये अपना काम करके चले गए हैं सर, तो ये हमारे लिए मुसीबत डली हुई है सर। ये हमने आगे भी चादरें लगाई थी तो फिर ये वासा वाले आए थे, उन्होंने ना उतार दी हैं। तो ये चादरें तो ये आर्जी काम है ना, यहाँ पर पक्की दीवार बननी चाहिए। हमने बड़ी बड़ी दफ़ा कहा है कि मेहरबानी करें ये चादरें लगा दें, इधर नशेई आते हैं और लोग आते हैं, हम उनको मना करते हैं, लेकिन क्या करें, वो आगे से हमें मारते हैं, छुरियाँ निकालते हैं, मारते हैं, अपने आप को कहते हैं हम ज़ख्मी हो जाएंगे, आपको भी ज़ख्मी करेंगे। हम दोबारा ये चादरें फिर लगा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, ना तो कोई हमारा महकमा आ जाए उनको कह रहे थे, ना ही ये वासा वाले कोई कर रहे हैं, ना ही ये ऑरेंज लाइन वाले कर रहे हैं सर। तो बराए मेहरबानी हुकूमत अगे साड़ी रिक्वेस्ट है कि ये साड़ा काम जल्द से जल्द दीवार वाला कर दें सर। मेहरबानी है सर आपकी और हुकूमत की और ऑरेंज लाइन वालों की। शुक्रिया। उर्दू कर्वे की टीम फैसल सईद एडवोकेट और सैफ़ुररहमान सैफ़ी के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।